हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड, मेंटर और फैकल्टी एट दिस प्लेटफॉर्म, आपको आज 12 अक्टूबर के डेली टारगेट्स दे रहा हूँ और हमने इकोनॉमी शुरू कर दिया है। सो देखो, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं थोड़ी बहुत हम। तो मैंने आप लोगों को कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है कि आपको एनालिसिस करना है, राइट? ये एनालाइज करना है सीएसई प्रेम्स का। एंड आई एम इम्प्रेस्ड कि कुछ लोगों ने कोशिश की एंड दे हैव एनालाइज्ड। और उनको देखो, कई लोगों ने जो है क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, और कई लोगों का क्या है, बहुत कम क्वेश्चन है, सो दे पैनिक। उनके वो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो वो पैनिक हो गए कि यार हमसे तो हो नहीं रहा, तो क्या करें। सो देखो, हियर इज द थिंग। पहली चीज तो ये है कि जिन लोगों ने खुद से कुछ ये जो है पेपर करने की कोशिश की या इसको एनालाइज की, दे आर ऑलरेडी, यू आर वन स्टेप अहेड। आप एक स्टेप अहेड हो उन सब लोगों से जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं बट जिन्होंने ये काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने अभी किया, कोई बात नहीं, आपके जीरो क्या माइनस में मार्क्स है, -10 आ गए, कोई इशू नहीं। कम से कम आपके पास, आपको पता है कि आपने जो है एक सेल्फ इवेल्युएशन किया, ठीक है, बट किसी के -10 तो नहीं आए होंगे, ठीक है। सो आपके मार्क्स कम आए, दैट इज नॉट द इशू, कोई बात नहीं, आपने खुद से किया, बहुत कम मार्क्स आए, नो इशू। बट आपको एक बार ये करके पता तो चल गया कि कमी है, देर इज एन प्रॉब्लम, देर इज एन इशू। तो अब अगला स्टेप आता है, यू हैव टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, रेक्टिफाई द इशू। ये जो इशू है उसको पकड़ो कि क्यों मेरे कमा। जैसे कुछ लोगों से मैंने जो है उनके डाउट्स देखे थे, राइट? एंड जब उनसे बात की तो एक चीज रियलाइज हुई, व्हेन यू नो, जब उनके डाउट्स हमने देखे तो एक चीज रियलाइज हुई मेरे को, उन्होंने कहा कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। अब जैसे इकोनॉमी में आप पढ़ रहे हो, अगर आप कोई चीज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, राइट, सो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और आप मान लो उस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ लिया, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया, आ गया और आप नहीं कर पाए, तो कई लोग सोच रहे हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिवीजन। नो, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? ये प्रॉब्लम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी में एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सेफगार्ड फॉर लिबर्टी, कि लिबर्टी के लिए बेस्ट सेफगार्ड क्या है, कि कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या इलेक्टेड गवर्नमेंट, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, राइट? सो एक पर्सन से मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर है, तो आंसर तो उसका सही था, बट फिर मैंने उससे पूछा कि कमिटेड जुडिशरी भी तो हो सकता है। आप क्यों, जुडिशरी तो प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी, आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, तो जुडिशरी भी तो हो सकता है। तो उसने एक्सप्लेन किया कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि यूनियन एंड स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड है। सो आई सेड दिस इज रॉन्ग, योर अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग, राइट? सो उसने सही तो कर दिया बट अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग थी, राइट? और इसी बेसिस पे एक दो और लोगों से इसी क्वेश्चन पे मैंने डिस्कस किया, तो उनको भी कंफ्यूजन हुआ और कई लोगों ने जो है कमिटेड जुडिशरी भी लगा के आ गए। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो देखो, बात हुई थी लिबर्टी की, कि लिबर्टी के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, राइट? सो जब लिबर्टी की बात हुई तो सबसे बेस्ट चीज क्या जो है, लिबर्टी कौन आपकी ले सकता है, जब कोई अथॉरिटेरियन होता है। सो जब कंसंट्रेशन, जैसे आपका स्टेट है, अब स्टेट के पास ही सारी पावर है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, कि स्टेट ही लॉ बनाएगा, स्टेट ही लॉ इंप्लीमेंट करेगा, और स्टेट ही लॉ को जो है एडजुडिकेट, मतलब जुडिशियरी का काम करेगा। तो एक ही ऑर्गन है जो जुडिशियरी का भी काम करेगा, लॉ बनाने का भी, लॉ इंप्लीमेंट करने का भी, यानी तीनों फंक्शन जब इसके पास होंगे, स्टेट के पास, तो ये अथॉरिटेरियन बन जाएगा और ये आपकी लिबर्टी पे इंक्रोच करेगा, राइट? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आप इसको कर पाते, ठीक है? सो इंक्रोच करेगा, बट इसीलिए क्या किया गया, जो वॉल्टेयर था उसने कहा सेपरेशन ऑफ पावर, कि स्टेट की पावर हम डिवाइड कर देते हैं, एक जो है ऑर्गन स्टेट का वो लॉ बनाएगा, एक इंप्लीमेंट करेगा और एक एडजुडिकेट करेगा, राइट? सो इस तरीके से जब तीन डिवाइड कर दिए तो ये जो है लिबर्टी प्रोटेक्टेड। बट अगेन, ये डिस्कशन जो है इसीलिए किया था कि आपको जो है ये एनालिसिस करना है, बहुत जरूरी है उनके लिए जो 2022 या 2023 के लिए दे रहे हैं, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि आप इसको अटेम्प्ट करो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट दिस, बट डू एनालाइज दिस पेपर, देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू एनालाइज द पेपर, ठीक है? अटेम्प्ट करने से ज्यादा जरूरी एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? एंड ट्राई टू फाइंड आउट, की इवेलुएट करने की कोशिश करो आप कहाँ स्टैंड करते हो, स्पेशली जो 2022 के लिए दे रहे हैं, राइट?
और उसमें जो है इवेल्यूएशन के बेसिस पे अपनी कमियों को पकड़ो और कमियों को सुधारो। तो इसीलिए मैंने उनको सजेस्ट किया था, जो लोग जो है ऐसे टेंशन में आ गए थे, मैंने कहा कि अब आपकी कमी कहाँ है। तो उनकी उनका जब बात करके मुझे लगा उनकी कमी इसी चीज में थी कि उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी। तो उनको मैंने यही कहा कि अब जो है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आज की डेट के आगे से एक वो ले लो, एक एक क्या बोलते हैं कमिटमेंट करो अपने आप को कि जो भी चीज पढ़ोगे फुल अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज नहीं बढ़ोगे। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं कि सिलेबस कवर करने के चक्कर में कि मैं सिलेबस कवर कर लूं 100% विथ ओनली 50% अंडरस्टैंडिंग, तो यू विल स्कोर वेरी लो, आप जो है 20-30% स्कोर करोगे क्योंकि तुक्के से आपके आंसर कट। रादर कवर द सिलेबस 80% या 70% ही, बट विथ 100% अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। डू दिस राइट, सो प्लीज ज्यादा सिलेबस कवरेज के पीछे भी मत भागो, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स दैट यू आर रीडिंग। चलो ये तो थोड़ी ज्ञान की बातें हो गई, अब चलो टारगेट्स पे आते हैं अपने। सो ये भी करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट्स कितने लोग कर रहे हो, ऑनेस्टली बताना, टेल मी इन कमेंट्स कि कितने लोग कर रहे हैं ये। ठीक है, फर्स्ट टारगेट इकोनॉमी का अगला चैप्टर आपका आ जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, क्यों इन्फ्लेशन, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का एक प्राइम पर्पस होता है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, और प्राइस स्टेबिलिटी का जो मतलब होता है वही इन्फ्लेशन से ही डील करता है। ठीक है, तो इसलिए इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे आपको ये जो है पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है रमेश सिंह का। ओके, यहाँ पे पूरा चैप्टर ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दो चीजें हाउसिंग प्राइस, बट अगेन डू इट, क्या पता इस पे भी क्वेश्चन आ जाए। जिस हिसाब से पेपर आया है यूपीएससी कैन बी रैंडम एट टाइम्स, राइट, सो इट इज बेटर टू डू इट। ठीक है, ये सारा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये जो है आपका श्री राम आईएएस के जिसके पास नोट्स हैं, अब देखो आपको भी यही इन्फ्लेशन का चैप्टर ही करना है, कॉन्सेप्ट्स फैक्ट्स एंड पॉलिसी, राइट। सो ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें छूट गई, जैसे इंट्रोडक्शन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन, यार ये छूट गई कोई बात नहीं, 19-20 का फर्क है, ज्यादा मतलब ये नहीं है कि आपका बहुत सारा छूट रहा है। ठीक है, इट इज नॉट नॉट एज इफ कि आपका बहुत सारा छूट रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा छूट रहा है, और अगर जिनको लग रहा है कि ये छूट रहा है, जो श्रीराम के उससे पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है कि यार मेरा ये छूट रहा है, वो एक काम कर सकते हो, गूगल कर लो, गूगल दी टर्म्स, गूगल दी टर्म्स, और उनको अंडरस्टैंड कर लो कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, रिकवरी का मतलब क्या होता है, बूम पीरियड का मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रिसेशन, डबल डिप, ये सब क्या होता है, गूगल करके टर्म्स को समझ लो। ठीक है, इतना कर लो जिनके पास ये वाले नोट्स है और ये नहीं कर पाए, राइट, और जिनके पास ये वाले उनको लगता है इधर कुछ एक्स्ट्रा है वो भी गूगल कर ले। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, डोंट गो इन टू डेथ थिंग की फियर ऑफ मिसिंग आउट, और इसलिए 10 सोर्सेस से, यहीं पे टेम्पटेशन आता है लोगों की मैं 10 सोर्सेस करूं, बट लिमिट योर सेल्फ, कई 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 बार जो है थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़ता है, बट अगेन वन सोर्स ओनली, या तो रमेश सिंह या श्रीराम, और एक ही सोर्स करनी है। ठीक है, करंट अफेयर्स में सेम आपका डीएनए है, ठीक है, हिंदू का, ये आई होप आपने मई का कर लिया होगा, सब मैं इसको कर रहा हूँ जून, प्लीज जून के मिसलेनियस जो करंट अफेयर्स, जो जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, और भी जो सारा है जून का जो है करंट अफेयर्स प्लीज करिए, बाकी डू अटेम्प्ट एमसीक्यूज इन आवर वाईटी कम्युनिटी। बाकी इसके अलावा अदर रिमाइंडर्स आर सी दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इकोनॉमी के प्रीलिम्स और मेंस के, प्रीलिम्स के लिए तो आप देख ही सकते हो, मेंस के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, बट खुद से भी एक बार देखो। ठीक है, और जो भी पढ़ो प्लीज डू ट्राई टू रिलेट इट टू दिस सिलेबस, राइट। थर्ड जो आपका टारगेट है ऑप्शनल का है, बट अगेन यू कुड स्किप इट, व्हाई स्किप इट, बिकॉज आपको ये काम करना है, जिन्होंने नहीं किया ये काम, तो जिन्होंने पीवाईक्यू सीरीज और ये वाला जो एनालिसिस वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है, अगर नहीं किया है तो यू कुड स्किप अपना ऑप्शनल का, और ऑप्शनल का टाइम आप यहाँ पे देख दो, यूट्यूब पे ही एनालिसिस देख लो, हमारे चैनल पे एनालिसिस है आप वही देख लो, राइट, दूसरे चैनल पे भी बहुत सारा है, राइट, पर दूसरे चैनल पे उन्होंने बहुत सारा लंबा लंबा चार चार पांच पांच छह छह घंटे का है, राइट, वो मतलब आई डोंट नो आपके पास इतना टाइम है देख सकते हो, हमारे चैनल में 2.5 आवर्स में बहुत प्रॉपरली डिटेल्ड आपको आंसर बताते हुए किया है। ठीक है, सो यू कुड वॉच दैट,
एंड लास्टली 8 घंटा पढ़ाई करो यार, अब ज्यादा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल है आई नो कम कर सकते हो, बट कोशिश करो जितना मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। एंड डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन दी कमेंट्स। तो मैं देख रहा हूँ कई लोग कमेंट्स में अपने प्रोग्रेस मेंशन नहीं कर रहे, राइट। कोई भी डाउट और क्वेरी आस्क अस इन दी कमेंट्स, राइट। स्टडी फॉर यूपीएससी पे मेल भी कर सकते हो, राइट। यू कुड मेल इट हियर, ओके। एंड गूगल डाउट फॉर्म जो है उसका डिस्क्रिप्शन में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।